भाई लोग, सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार शनिदेव न्याय के देवता हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी न्याय उतरे, ऐसी हम आज कामना करें। और आज हम फिर से खेलने वाले हैं बुली गेम। और मैं सोचा हूँ क्यों ना हफ्ते की दो वीडियो करना शुरू करूँ। मतलब अगर इस वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, तुमने मतलब ऐसा 50 के आसपास व्यूज पहुँचा दिए आराम से वेडनेसडे तक, तो इसी हफ्ते दूसरी वीडियो आएगी वेडनेसडे को, तो पहुँचा देना। देखो तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, तो इसीलिए जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। भाई शेयर तो दबाए कर ही कर दो, ठीक है, पूछाने हैं 50 कम से कम भी। बात करें पिछली वाली वीडियो की, तो हमने थोड़ी बहुत बकचोदी करना शुरू कर दी थी। पहले तो एक लोंडा हमारे में उंगल करके भगा था, हमने उसे पेला था ढंग से और उसकी गुलेल भी ले ली थी। फिर उस गुलेल से पहले बस के कांच फोड़े, फिर भाई जो सबसे खतरनाक लोंडे थे पूरे स्कूल के, फुटबॉल के खिलाड़ी भाई, उनके जाके उंगल करी। मतलब सोचा फुटबॉल फील्ड में घुस के और उनके उंगल करके हम जिंदा वापस आ गए। सही बताओ, मुझे विश्वास नहीं होता कि बंदा जिंदा वापस आ जाएगा उन बंदों के उंगल करके, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एकदम बाहुबली टाइप लोंडे हैं, ठीक है, हड्डी मसी अलग कर देते हैं इन जनरल। लेकिन भाई फिर भी हम बच के आ गए। और अभी बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक ही गर्ल्स बॉयज वाले में बड़ा कन्फ्यूजन हुआ इधर गर्ल्स का, मैं जल्दी गर्ल्स वाले में चला जाऊँ। यू आर नन टू इंटरेस्टिंग योरसेल्फ फ्रेंड। पता लग गया गांड टूट सकती है। Both of you. ये बीडी है। I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. तो भाई जो चूतिया लड़का है ये, इसका नाम है पीडी, ठीक है। भाई हम अपने डोम में गए थे, मतलब डोम मतलब हॉस्टल जहाँ पे रहते हैं हम, तो वहाँ पे गए थे और हमें गैरी मिला। तो भाई गैरी पे ये जो सबसे चूतिया लड़का है पीडी, इसी गाड़ी में उंगल कर रहा था। तो भाई फिर जब हम चले गए और इसने हमारे से कही कि मैं तो भाई गर्ल्स डोम के बाहर, जो मतलब गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियाँ रहती हैं जिधर मैं अक्सर चला जाता हूँ, वहाँ पे मज़े लेके आया, तुम समझ सकते हो, समझ रहे हो बस। तो फिर क्या कहते हैं, हमने कही कि तुम तो एकदम चूतिया लड़के हो बहन से, तुम्हारे कौन लड़की भाव देगी। तो इसने कही अबे भोसड़ी के स्टोरी बता लेते गांडू। तो खैर हमने कही, तो फिर इसने कही ना कि मैं चूतिया नहीं हूँ, और भाई हमारे से लड़ने को आने लगा। तो भाई से पता है कि हम खतरनाक लूंडे हैं, गांड तोड़ देते हैं लोग जल्दी। तो फिर इसे जल्दी एहसास हो गया और ये पीछे हट गया। लेकिन ये अभी कोई बेघर आदमी है, उसके गांड में उंगल करने जा रहा है हमें। तो देखते हैं हमें क्या करना है अभी। भाई ये है वो, ये तो बेवड़ा है भोसड़ी का, इसे जीवी का बाप बता रहा है भोसड़ी का, घर तोड़ देगा जीवी भयंच। तो भाई अभी हम इस होमलेस बंदे के पास आए थे और ये हमें पता लगा है कि कोई आर्मी वाला है, एक्स आर्मी पर्सन, और ये मतलब आर्मी में कोई फ्रेंडली फायर वगैरह हुई थी उस टाइम पे, इसके सारे साथी मारे गए और ये बचा है लास्ट। तो पहले तो हमें यहाँ से भगाने के ही सोचा था, फिर भाई हमने कही हम जो नहीं भागने वाले और हमारे साथ फालतू की उंगल मत ना करें। तो इसने कहा कि हाँ तुम भाई खतरनाक बंदे लगते हो देखने में, लेकिन मैं तुम्हें कुछ आदमी की मूव से सिखाऊंगा अगर तुम मुझे मेरे रेडियो का एक पार्ट ला के दोगे। तो हमें अभी इसके रेडियो का एक पार्ट ढूंढना है और फिर ये हमें कुछ लड़ाई वड़ाई सिखाएगा बढ़िया से, फिर हम इनकी गांड तोड़ेंगे क्लासिफाइड आर्मी मूव से। वैसे भी यार अभी रात का टाइम है, तो मैं किसी की में ज़्यादा उंगल उंगल करने का नहीं तो मैं वैसे ही सो जाऊंगा। इसमें ये सिस्टम है भाई, ज़्यादा रात होने पे ना ये अपने आप ही सो जावे, मतलब ऐसा जल्दी जल्दी मान लो कि मैं कहीं खड़ा हूँ इधर उधर सड़क पे, तो भाई खड़े खड़े ही सो जाएगा, ऐसा सिस्टम होता है इसमें। तो मुझे जल्दी से जल्दी उसे उसके रेडियो का वो पार्ट ले जाके देना पड़ेगा। चलो भाई अब आने वाले के पास चलते हैं, हमने सामान तो ले लिया उसका। यार कहाँ से भाई, मुझे रास्ते नहीं याद सीरियसली। ये रहा इसके रेडियो का टुकड़ा और अब इससे सीखते हैं क्लासिफाइड आज मूव्स। भाई कुंफू मास्टर बना देगा मुझे गारंटी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करना है अपर कट के लिए। तो अभी तो इसने हमें एक मूव सिखाई है अपर कट की। तो भाई इसने हमारे तक कहा कि हमें और भी चीज़ें सिखाएगा, अभी इसने बस हमें एक चीज़ सिखाई है अपर कट, लेकिन ये हमें और भी चीज़ें सिखाएगा अगर हम भाई इसका काम वाम करते रहेंगे, इसे सामान ला के देते रहेंगे। तो भाई मैं सोच ही चाह रहा था जब ये गिर गया अपने आप। तो यार चलो उठते ही सबसे पहला सेव करने का काम करते हैं। यार भाई यार क्या सेव करना इस गेम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्रैश होता रहा गेम और इसमें ऑटो सेव का भी ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें खुद ही सेव करना पड़ता है, तो भाई प्रोग्रेस लॉस हो जाएगी, इसलिए अपने आप टाइम टू टाइम सेव करते रहो भाई, ज़्यादा सही चीज़ है। खैर अभी भाई अगला शुरू हो चुका है और हम चलते हैं क्लास में या फिर कोई मिशन करने।
चलते हैं यार, मजे करेंगे भाई, ऐसी बात थोड़ी है। तो भाई हम आ चुके हैं लाइब्रेरी में। तो भाई ये एक मोटा सा चूतिया सा लड़का है, देखने में ऐसा लगता है इसे असल का छोटा भाई हो, लेकिन एकदम चूतिया है, सही बता रहा हूँ। अच्छा तो इसके मसले होंगे यहाँ पे। हाँ भाई कुछ दिक्कत विक्कत है क्या? पैसा दिया है वो हमें, गांड तोड़ देंगे। अबे हाँ पता है तू खटी गांड है बहुत, ठीक है चल अब आगे। तो भाई इसे क्या है, लाइब्रेरी में किताब रिटर्न करनी है और वो इसके लॉकर में है, लेकिन इसकी गांड फटी है कहीं है लॉकर में ना, के मतलब लॉकर में जाते हुए जो ये सफ़ेद शर्ट बनते हैं इसकी गांड ना तोड़ दें। अच्छा अरे भाई पैसा दिया है वो हमको, ठीक है 9 बक्स चोदी। तो इसने हमें पैसे दिए हैं 5 बक्स मतलब $5 और कहते 2 गुना था, लेकिन भाई हमने इससे ज़बरदस्ती 5 ले लिए। तो भाई पहले से जानता था हमें कि हाँ भाई हम ही हैं वो मशहूर चर्चित बदमाश लोंडे, इसलिए इसने हमें अपने साथ कहा कि भाई मेरे साथ चल के मैं लोगों से किताब निकालने में हेल्प कर दूँ, तो लोंडे में ही गांड तोड़ देंगे फिर। तो भाई बिल्कुल सारा टाइम लाइब्रेरी में रहा है, लाइब्रेरी लग रहा बिल्कुल। क्या एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? अबे एक टॉयलेट में से 2 लोग निकले भाई, एक लौंडा एक लौंडिया, लौंडिया वो जिसने भाई हमारी चाय पत्ती चटका दी थी। बेटा बकचोदी थी ठीक है भाई, लौंडिया वो जिसने हमारी चाय पत्ती चटका दी थी, ये ले पकड़। ओ भाई ये पकड़ता है काफी सही चीज है। ओ भाई जबड़ा तोड़ दिया इसका, पकड़ ना फोड़ दी भाई, यार तकड़ा यार पकड़ भी भाई, सही मूव है। तो खैर भाई एक टॉयलेट में से 2 लोग निकले, एक वो लोंडे इसने हमारे पर से चटका दी, और एक भाई हमारे से ही बहुत खत्म लोंडा साले, अब पकड़ दे दूंगा भग जाया सर। चलो 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 भागो, चलो भाई पहुंच गए इसके लोकर तक फाइनली। क्लास में जाना चाहिए अब, ठीक है थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाता है, ये साइज बनते हैं देश को संभालते हैं। बस लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से।